साथियों, दिल्ली कर्नाटका संघ के 75 वर्षों में उन्नति, उपलब्धि और ज्ञान के उत्कर्ष के कई महत्वपूर्ण क्षण हमारे सामने आए हैं। अब अगले 25 वर्ष और भी महत्व के हैं। अमृतकाल और दिल्ली कर्नाटका संघ के अगले 25 वर्षों में आप कई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। जिन दो चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं वो है कली के मत्तु कले, यानी ज्ञान और कला। अगर हम कलिके की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारी कन्नड़ा भाषा कितनी सुंदर है, इसका साहित्य कितना समृद्ध है। साथ ही साथ कन्नड़ भाषा की एक और विशेषता है, ये वो भाषा है जिसे बोलने वालों में रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होती है। कन्नड़ भाषा के पाठकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आज किसी कन्नड़ में कोई अच्छी नई किताब आती है तो कुछ ही हफ्तों में पब्लिशर को उसे रीप्रिंट करवाना पड़ता है। और भाषाओं को ऐसा सौभाग्य नहीं है जो कर्नाटका में है। आप में से दिल्ली में रहने वाले साथी जानते होंगे कि अपने मूल राज्य से बाहर रहने वाली नई पीढ़ी के लिए भाषा की कठिनाइयां कितनी बढ़ जाती हैं। इसलिए चाहे जगतगुरु बसवेश्वर के वचन हो या फिर हरिदास के गीत, चाहे कुमार व्यास द्वारा लिखित महाभारत का संस्करण हो या फिर कुवेंपू का लिखा रामायण दर्शनम, इस विशाल धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है कि आप लाइब्रेरी भी चलाते हैं, आप नियमित रूप से स्टडी सर्कल, सेशंस, साहित्य संबंधित चर्चा, बार बार अनेक कार्यक्रम आप आयोजित करते रहते हैं। इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इससे आप दिल्ली के कन्नड़िगाओं के बच्चों को कन्नड़ में पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह की प्रयासों से कलिके यानी ज्ञान का जो प्रसार होगा वो दिल्ली के कन्नड़ लोगों के साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित करेगा। कन्नड़ा कलियरी यानी कन्नड़ सीखना और कन्नड़ा कलीसिरी यानी कन्नड़ सिखाना, दोनों में मदद होगी। साथियों, कलिके के साथ कले यानी आर्ट के क्षेत्र में भी कर्नाटका ने बहुत असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। मैं आभारी हूं, उस कार्यक्रम में इतने कम समय में मुझे पूरे कर्नाटक के कल्चरल को इसकी यात्रा करने का मौका मिल गया। कर्नाटका क्लासिकल आर्ट और जानपद आर्ट दोनों में समृद्ध है। कंसाले से लेकर संगीत की कर्नाटका शैली तक, भारतनाट्यम से लेकर यक्षगान तक, कर्नाटका की हर कला हमें आनंद से भर देती है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली कर्नाटका संघ ने कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लेकिन अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। मेरा आग्रह है कि भविष्य में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो हर डेली कन्नाडिगा फैमिली
ये प्रयास करे कि उनके साथ एक गैर कन्नड़ परिवार भी शामिल हो, ताकि वो कर्नाटका के वैभव के साक्षी बन सके और कर्नाटका की समृद्ध कलाओं का आनंद ले सके। कन्नड़ संस्कृति को दिखाने वाली कुछ फिल्में गैर कन्नड़ लोगों में भी बहुत लोकप्रिय हुई है। इससे लोगों में कर्नाटक को जानने समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। हमें इस जिज्ञासा का उपयोग करना है। साथ ही मेरी आपसे एक और अपेक्षा है, कर्नाटका के कलाकार, प्रबुद्ध लोग जो यहां आए हैं, आप दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल, पीएम म्यूजियम और कर्तव्य पथ जैसी जगहों पर जरूर जाना, उसके बाद ही वापस जाना। आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपको गर्व से भर देगा। आपको लगेगा कि ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मैं चाहूंगा कि आप यहां के अनुभवों को कर्नाटका के लोगों को भी बताएं।